नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा लाइफ टाइम फ्री वेब होस्टिंग के बारे में। अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हैं या तो स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो आज मैं आपको पूरी प्रोसेस के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से आप बिल्कुल फ्री में एक वर्डप्रेस का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं या तो बिगिनर ब्लॉगर हैं तो आपके पास बजट का प्रॉब्लम होगा। अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप जो ब्लॉगर के अंदर अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हो। और आपको ये भी पता है कि ब्लॉगर के अंदर कितने सारे लिमिटेशन हैं, आप ऐसी जो प्रोफेशनल ब्लॉगिंग नहीं कर सकते ब्लॉगर के अंदर। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। आज मैं आपको पूरी प्रोसेस के अंदर बताऊँगा कि किस तरह से आप जो बिल्कुल फ्री में वर्डप्रेस का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार की फ्री होस्टिंग आप यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास एक डोमेन नेम होना ज़रूरी है। अब देखिए, डोमेन नेम आपको जो 70 रुपीज़ से स्टार्ट होकर जो भी आपको डोमेन परचेस करना है परचेस कर सकते हो, .xyz डोमेन, .in डोमेन, .com डोमेन वगैरह। और आपको ये भी पता है कि GoDaddy के अंदर ऑफर चलती रहती है तो आपको 99 में भी .com डोमेन मिल जाता है। तो आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए, इसके बाद आसानी से बिल्कुल फ्री में आप वर्डप्रेस का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। आज मैं आपको जो वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं, इसका नाम है atispace.com। अब देखिए, किसी भी प्रकार का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैं आपको खुलकर इस वीडियो के अंदर इसके डिसएडवांटेज भी बताऊंगा और एडवांटेज भी बताऊंगा कि अगर आप ये होस्टिंग का यूज़ करते हो तो आगे जाके आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और किस किस प्रकार के बिल्कुल फ्री वेब होस्टिंग के अंदर लिमिटेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आपको वेबसाइट ओपन करके यहाँ पर लिखा होगा फ्री वेब होस्टिंग और इसके नीचे लिखा होगा साइनअप का बटन होगा और इसके नीचे एक साइनअप का बटन होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप जो साइनअप करने के लिए किसी भी प्रकार के मेथड का यूज़ कर सकते हो, फेसबुक, गूगल और दादा के लिए यहाँ मैन्युअली इन्फॉर्मेशन ऐड करके भी रजिस्टर कर सकते हो। तो सिंपल मैं गूगल का यूज़ करूँगा, गूगल अकाउंट का। इसके बाद यहाँ पर मैं ये अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना होगा। अगर आपने गूगल का यूज़ किया है तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना होगा, तो पासवर्ड सेट कर लेते हैं। इसके बाद चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, तो जो आपका न्यू पासवर्ड है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो यहाँ पर पासवर्ड जो सेट हो चुका है, सिंपल हम वेलकम विंडो को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा साइनअप सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद आपका आगे का स्टेप हो आपको यहाँ पर दिखा देगा। आपको आपका डोमेन लिंक करना है आपके फ्री होस्टिंग के साथ। सिंपल आपको डोमेन मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर होस्ट डोमेन के ऊपर क्लिक करना है अगर आपके पास ऑलरेडी है। अगर आपको यहाँ पर रजिस्टर करवा तो रजिस्टर करवा सकते हो, लेकिन आपके पास ऑलरेडी आपने कहीं पर रजिस्टर करवा के रखा है तो सिंपल आपको होस्ट डोमेन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका डोमेन का नाम है इसको आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर जो लिंक करने वाले हैं .com डोमेन, तो यहाँ पर सिंपल मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद आपको सिंपल होस्ट डोमेन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए, हमारा डोमेन सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। डोमेन ऐड करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस आपके डोमेन के अंदर करने हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी आपको एक नोटिफिकेशन के अंदर भी लिखा है कि जैसे आप डोमेन कनेक्ट करते हो, इसके बाद आपको आपके डोमेन के अंदर दो नेम सर्वर ऐड करने हैं। सबसे पहला है NS1, इसके बाद NS1@atispace.me। तो यहाँ पर से आपको कॉपी करना है, जैसे कि ये सबसे पहला वाला, इसको कॉपी करते हैं। इसके बाद आपको जाना है जहाँ पर आपने डोमेन रजिस्टर करवा के रखा है। हमारा डोमेन है GoDaddy के अंदर। इसके बाद हम क्लिक करेंगे माय प्रोडक्ट के ऊपर। इसके बाद आपको DNS के ऊपर क्लिक करना है। DNS के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है नेम सर्वर के अंदर, और वहाँ पर जाके आपको दो नेम सर्वर ऐड करने हैं। तो सिंपल हम चेंज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो दो नेम सर्वर ऐड कर देने हैं। हम दो नेम सर्वर ऐड करेंगे, सबसे पहला है NS1, इसके बाद फिर से हम जाएंगे इस पॉपअप के अंदर और वहाँ पर ये दूसरा होगा आपका NS2। इसको कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। एक बार आप चेक कर लीजिए आगे पीछे किसी भी प्रकार का स्पेस तो नहीं है, वरना ये आपका जो नेम सर्वर है वो कभी चेंज नहीं होगा। इसके बाद सिंपल हम सेव बटन के ऊपर क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पर हमारा नेम सर्वर सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। इसको चेंज होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम 48 आवर्स का होता है, लेकिन इतना टाइम कभी लगता नहीं है। तो आपको 10 से 15 मिनट तक वेट करना होगा। इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। वेट करते समय सिंपल हमने देखिए ये जो स्टेप कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद आपको सिंपल क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक डोमेन हमने सक्सेसफुली एड कर दिया है, लेकिन अभी ये डोमेन कनेक्ट नहीं हुआ है। जब ये कनेक्ट होगा और यहाँ पर आप सी प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाई देगा आपका डोमेन सक्सेसफुली कनेक्ट होने के बाद। लेकिन जितनी भी जो आपको प्रोसेस करनी है वो आप कर सकते हो अगर आपका डोमेन कनेक्ट नहीं हुआ। फिर भी जैसा आपका डोमेन कनेक्ट होगा तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो अब आगे की प्रोसेस के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह से आपको इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो डोमेन कनेक्ट करने के बाद आपको फिर से जाना होगा डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर जाकर आपको जो जिस तरह से आप सभी सी पैनल के अंदर वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा जेकी ऐप इंस्टॉलर। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा ब्राउज एंड इंस्टॉल ऐप के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार के एप्लीकेशन दिखाई देगी, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसेस टू स्टेप टू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट का टाइटल सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपका जो डोमेन नेम है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। इसके बाद आपका यूज़र नेम और यहाँ पर आप अपना जो पासवर्ड है इस तरह से। इसके बाद आपका ईमेल और सिंपल आपको इंस्टॉल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब देखिए जब तक आपका डोमेन कनेक्ट नहीं होता तब तक आप जो इसको प्रॉपरली चेक नहीं कर सकते कि जो आपका वेबसाइट किस तरह से वर्क कर रहा है। अभी आपको यहाँ पर जो प्रीव्यू एड्रेस मिला है इसको अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपका वेबसाइट का लेआउट भी आपको ठीक से नहीं दिखेगा, और आप डैशबोर्ड ओपन करने की कोशिश करोगे तो भी आपका डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा। इसका मतलब कि आपको वेट करना है, जब तक आपके नेम सर्वर चेंज नहीं होते तब तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। इसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। अब देखिए ये वीडियो बहुत ही बड़ा ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी एक दूसरा वेबसाइट जो कनेक्ट करके रखा है और ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो आगे की प्रोसेस के अंदर मैं आपको दूसरे ब्राउज़र के अंदर बताऊँगा कि ये जो वेबसाइट है आपको यहाँ पर देखा देगा वो 80 स्पेस के अंदर ही है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है, और डोमेन मैनेजर के अंदर जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ई कस्टमर केयर डॉट US मैंने 80 स्पेस के अंदर ही होस्ट करके रखा है। यहाँ पर आपको दिखा देगा ई कस्टमर केयर डॉट US, और मैं सिंपल ओपन वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो ई कस्टमर केयर डॉट US सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, और सी प्रीव्यू का जो ऑप्शन था इसकी जगह ओपन वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, और वहाँ पर लिखा होगा डोमेन इज़ वर्किंग प्रॉपरली। जैसे आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ओपन वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वो वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको जो भी आपके डैशबोर्ड के अंदर करना है वो आप कर सकते हो, थीम इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो, प्लगइन इंस्टॉल, सभी प्रकार की चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। तो इस तरह से आप बिल्कुल फ्री में वर्डप्रेस का एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। अब जो बात आती है कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो आपने देख ही लिया कि आपके पास बजट नहीं है तो आप अपना एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। इसके बाद अगर आप एक बिगिनर हो और आपको सीखना कि किस तरह से वर्डप्रेस वर्क करता है तो आप सीख सकते हो बिल्कुल फ्री में, और आपको होस्टिंग के बारे में जानना कि किस तरह से डोमेन कनेक्ट करते हैं तो ये सभी प्रकार की चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो, यही इसका एक एडवांटेज है। लेकिन अब मेन बात आते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है और ये लोग आपको बिल्कुल फ्री में क्यों होस्टिंग देते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर आप SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आपको इसके अंदर सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है तो ये वेबसाइट है आपको क्लाउडफेयर के अंदर कनेक्ट करनी पड़ेगी, इसके बाद जाकर इसके अंदर HTTPS एनेबल होगा। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है, इसके अंदर आप फ्री वाला जो सर्टिफिकेट आता है वो आप इसके अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके अंदर जो सर्टिफिकेट का ऑप्शन है इसको लॉक करके रखा है। SSL मैनेजर को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपको एक प्लान परचेस करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप जो सर्टिफिकेट इसके अंदर इंस्टॉल
कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका ये डिसएडवांटेज है। इसके बाद का एक और डिसएडवांटेज है, और ये भी मुझे जो अच्छा नहीं लगा वो ये है कि इसके अंदर अगर आपको कस्टम थीम अपलोड करनी है, यानी किस पेपर हो गया वगैरह, तो आप फाइल मैनेजर के अंदर जाओगे। जैसे कि मैं फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ, और वहाँ जाकर आप बड़ी थीम अपलोड करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर एरर आती है कि आप इतनी बड़ी जो फाइल इसके अंदर अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपको इस प्रकार की फाइल को अपलोड करना है, तो आपको जो कस्टम हमारा प्लान इसको अपडेट करवाना पड़ेगा, इसके बाद जाकर आप करवा सकते हो। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं है, जो आपके सामने सब कुछ ओपन है। वर्डप्रेस सब जो परफेक्टली वर्क करता है, इसका स्पीड भी जो शायद बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हम ओपन करते हैं तो आपको देखा जाएगा, देखिए परफेक्टली वर्क करता है। दूसरी जो फ्री होस्टिंग है, इस तरह से ये जो बेकार होस्टिंग नहीं है, तो इसके अंदर आप अपना एक ब्लॉग है इसको आप सेटअप तो ज़रूर कर सकते हो। इसके बाद हम एक मेजर प्रॉब्लम की बात करते हैं कि जितनी भी जो फ्री होस्टिंग है वो लोग क्या करते हैं कि कंप्लीट इसके अंदर आप फिर वेबसाइट होस्ट करते हो, लेकिन इसके बाद आपको ये बैकअप नहीं लेने देते, क्योंकि ये फ्री प्लान है, ये आपको बोलते हैं कि आप प्लान को अपडेट कराइए, इसके बाद आपका बैकअप लीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव कि इसके अंदर हमें बैकअप का ऑप्शन मिलता है या नहीं। तो ये हमारा एक रूट फोल्डर है, ई कस्टमर। तो सिंपल, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फिर से फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे और वहाँ पर जाकर देखेंगे कि इसके अंदर से हम बैकअप वगैरह ले सकते हैं या नहीं। तो सिंपल हमने फाइल मैनेजर ओपन किया, फाइल सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर दिखाई देगा डाउनलोड जिप। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंप्लीट एंटायर वेबसाइट को आप जिप फाइल के अंदर से यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद का स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि क्या ये आपको डेटाबेस जो यहाँ से एक्सपोर्ट करने की परमिशन देता है या नहीं। तो हमें ओपन करना पड़ेगा PHP My Admin का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम जाएंगे डेटाबेस मैनेजर के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा एक डेटाबेस आपको सक्सेसफुली दिखाई देगा, ये है हमारा डेटाबेस। यहाँ पर आपको दिखाई देगा PHP My Admin, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा PHP My Admin ओपन हो चुका है। सिंपल हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से MySQL फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हमारा जो कंप्लीट डेटाबेस है वो भी डाउनलोड हो चुका है। तो यही एक फ्री होस्टिंग के अंदर प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसके अंदर ये सब प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से जो 2-3 मंथ इसके अंदर वर्क करके आपका वेबसाइट कम्प्लीटली सेटअप कर दे, कम्प्लीटली सेटअप करने के बाद यहाँ से आप अपना वेबसाइट एक्सपोर्ट करके दूसरी प्रीमियम होस्टिंग के अंदर माइग्रेट कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।